गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल टिकट टू ट्रैवल। तो अभी मैं हूँ कश्मीर की वादियों में और मैं आज जा रहा हूँ श्रीनगर, जहाँ पे मैं आपको वहाँ के फेमस टूरिस्ट प्लेसेस दिखाऊंगा। जब भी आप कश्मीर जाओ इन जगहों पर ज़रूर जाना। तो चलिए देखते हैं। तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं तुलिप गार्डन। रास्ते में आपको कुछ मार्केट भी दिखेगा। ये सब यहाँ के लोकल शॉल्स ड्रेसेस। जहाँ तक नजर जाती है कलरफुल फ्लावर्स। सेल्फी स्टिकर। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो अभी मैं हूँ श्रीनगर के फेमस लाल लेक पर। ये लेक बहुत ही खूबसूरत है और यहाँ पे शिकारा राइड भी होता है। शिकारा राइड का एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। शिकारा राइड के समय आप फ्लोटिंग मार्केट भी एक्सप्लोर कर सकते हो, यहाँ की जो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं वो भी आप खरीद सकते हो। जब भी आप श्रीनगर आओ तो लाल लेक पर शिकारा राइड का एक्सपीरियंस ज़रूर करना। आज सैटरडे और डल लेक के जस्ट सामने स्ट्रीट मार्केट अभी लग रहा है। इस समय 6 बजे है, 6:30 तक पूरा स्ट्रीट मार्केट लग जाएगा। यहाँ पे आप जैकेट्स सब कुछ ले सकते हैं।
अभी हम लोग आए हैं निशात गार्डन कश्मीर, समवेयर अराउंड 9 किलोमीटर्स है डाल लेक से। और अगर आप ऑटो से आओगे यहाँ तक तो 200 रुपये लगेगा आपको, और टिकट फेयर है 24 बड़ों के लिए और 12 रुपीज़ फॉर किड्स। तो यह है उसका एंट्रेंस। यहाँ आप देख सकते हैं तरह तरह के फ्लावर्स है। ये वन ऑफ द टूरिस्ट प्लेस है कश्मीर का। गाइस देखिए, देखो एक छोटा सा ब्रिज है। ये देखिए ये कलरफुल फ्लावर्स, ये काफी अच्छे लग रहे हैं। और ये आसमान एकदम नीला नीला। यहाँ का एनवायरनमेंट तो बहुत ही अच्छा है। सुंदर गार्डन, उसके सामने डल लेक और ये नीला नीला आसमान। तो पास से देखते हैं। काफी वेल मेंटेन है ये गार्डन। तो अभी मैं अपने अगले पड़ाव की तरफ जा रहा हूँ जिसका नाम है परी महल। ये जगह तुलिन गार्डन से काफ़ी नज़दीक है। परी महल बहुत ही पुरानी टूरिस्ट डेस्टिनेशन प्लेस है। ये जानी जाती है अपने स्टनिंग 6 टेरेस गार्डन के लिए। यहाँ से आप पूरे डल लेक का नज़ारा देख सकते हो जो कि बहुत ही खूबसूरत लगता है।
अभी हम लोग आए हैं चश्मे शाही मुगल गार्डन कश्मीर। ये चश्मे शाही बसो देखो इधर ये जगह जानी जाती है यहाँ के नेचुरल स्प्रिंग वाटर से। यहाँ पे जो पानी निकलता है वो पहाड़ों से होते हुए आता है। ये गार्डन 1632 में बना हुआ है।